मेरे प्यारे भाई बहनों, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा भारतवर्ष ऐसे असाधारण लोगों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए सारा जीवन खपा दिया है। यह हमारी भारत माता, यह हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा है। अनेक मानव रत्न इस धरती से निकले हैं। भारतवर्ष ऐसे असाधारण लोगों की जन्मभूमि रहा है, कर्मभूमि रहा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं औरों के लिए अपने आप को खपा दिया है। ऐसी ही एक महान विभूति को 13 अक्टूबर को वेटिकन सिटी में सम्मानित किया जा रहा है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि पोप फ्रांसिस आने वाले 13 अक्टूबर को मरियम थ्रेसिया को संत घोषित करेंगे। सिस्टर मरियम थ्रेसिया ने 50 साल के अपने छोटे से जीवन काल में ही मानवता की भलाई के लिए जो कार्य किए वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र से उनका अद्भुत लगाव था। उन्होंने कई स्कूल, हॉस्टल और अनाथालय बनवाए और जीवन पर्यंत इस मिशन में लगी रही। सिस्टर थ्रेसिया ने जो भी कार्य किया उसे निष्ठा और लगन के साथ पूरे समर्पण भाव से पूरा किया। उन्होंने कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द होली फैमिली की स्थापना की, जो आज भी उनके जीवन दर्शन और मिशन को आगे बढ़ा रहा है। मैं एक बार फिर से सिस्टर मरियम थ्रेसिया को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के लोगों को, खास तौर पर हमारे ईसाई भाई बहनों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।